जयपुर हो गया, और कौन सा बोला, बोलिए बोल जाओ, वो तो कट हो जाएगा मेरा। जयपुर हो गया ना, और एक और बोला ना यार, जयपुर गया कौन सा हुआ, ऋषिकेश गया था, ऋषिकेश में हुआ नहीं था लेकिन, फिर यहाँ पर आया हूँ। अच्छा डलहौजी सोलो ट्रिप। टेन परसेंट इन 2 सेकंड्स। तो आते ही हमारे को बरस तो नीचे ही नीचे दिख चुकी है, हालत हो गई है खराब। उस ऑटो का था तो ऑटो वाले ने 700 मीटर पहले ही उतार दिया है, क्योंकि यहाँ की जो रोड है उसमें बर्फ़ जम गई है, तो वो ऑटो चलेगा ही नहीं पहली बार। और ये सारा खराब सीधे ही है, बर्फ पड़ी भी है अभी नॉर्मली, लेकिन फ्लफी नहीं है, तो मतलब अभी नई नई वाली नहीं थी, पुरानी थी। ये है ये वाली, अंदर भी चली गई है। बाकी सब ठीक है, देखियो पानी गिर रहा है और बर्फ जम रही है। हाँ सार हद, तो ये इस तरीके से है कि यहाँ पे वो सिर्फ जिप्सी, जहाँ तक अभी तक देखी है कि ओनली जिप्सी कामयाब है, तो आप आओ तो अपने जिप्सी खरीद के लेके आओ, नहीं तो फिर हमारे जो पैदल सकते हो। ये खुद ड्राइवर उनके जो घूम रहा है एक, आज बढ़िया तरीके से बैग वगैरह, तो ग्रिप वाले जूते बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पर, नॉर्मल स्टाइलिश जूते मत पहन के आना बिल्कुल भी गलती से भी इस पीरियड ऑफ टाइम पे। ये 101 ट्रैवल हैक्स बाय अवला शर्मा। ये देख सबसे बड़ी बात है, ये चिपक नहीं दिया हाथों में वैसे तरीके से, मतलब जैसे होती है ना, बढ़िया लग रही है। नजोत नजोत इस तरीके से मसल दूंगा तेरे को, इस तरीके भाई, इतने बढ़िया तरीके से रास्ते हैं ये, समझ नहीं आ रहा भाई। जूते मेरे जैसे ही ले लेना वरना मरोगे। हाँ इलाके पहनोगे तो फाइनली वी रीच एट जोस्टल। काफ़ी बढ़िया तरीके से बना हुआ है, चहल पहल भी लग रही है, तो मतलब है का। तो अभी सारी बात करेंगे, पहले उससे पहले मैं ये दिखाना चाहता था, ये कॉमन एरिया रूम है, कॉमन एरिया है, तो ये यहाँ पर हीटर वगैरह भी लगे हुए हैं, यहाँ की तरफ वॉशरूम मिल जाता है, और व्यू देखो बस। What's up? This Avira Sharma back with a brand new video. This time I am in Manali right now in Zostel, Manali. So, बात ऐसी है कि पकड़ी बस, बस ली थी हमने दिल्ली से 5:30 बजे, 6 बजे चलनी थी, लेकिन वो डिले हो गई क्योंकि वो बस फर्स्ट टाइम चली है अभी तक, मतलब उसका जो वो फर्स्ट ट्रिप थी उसकी एक बेसिकली, और वो बस कैसी थी मतलब उसके अंदर मोबाइल वॉशरूम के साथ वाली थी, तो मतलब थोड़ी सी अलग थी और लग्जूरियस थी, तो मैं उसकी वीडियो शेयर कर दूंगा कि वो कैसी सी थी, बढ़िया पहली बार। फिर उसके बाद आने पे भी वो डिले हो गई, जहाँ पे उसने एक ब्रेक लेना था वहाँ पे 2 ब्रेक हो गए, तो 2 ब्रेक के बाद और थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी था जब दिल्ली से निकले थे, तो वो उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे अराउंड 9:30, जो कि पहुँचना था 8:30, तो बहुत ज़्यादा ड्रामे हो गए।
जो कि आज तक मैंने कभी डिले कभी बस में होते हुए देखा नहीं है इतना ज़्यादा। चलो हो गया हो गया, अब तो कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आने के बाद हमने जब जोशल मनाली भी आना था तो वहाँ भी पंगा हो गया, वो मिल नहीं रहा था। थोड़ा सा आगे चले गए फिर पीछे आए, फिर उसके बाद क्योंकि ये थोड़ा सा गांव टाइप एरिया है फिर काफ़ी मतलब फीलिंग अच्छी अच्छी सी आ रही है यहाँ पर थोड़ी सी ना, तो बस बिल्कुल ही मतलब यहाँ पर हर किसी के घर बने हुए हैं, घरों के बीच में इन्होंने एक बिल्डिंग बना दी है जोशल की। लेकिन काफ़ी बढ़िया जगह है, लोकेशन जो इन्होंने चूज़ करी है ना काफ़ी बढ़िया चूज़ करी है इन्होंने इस बार नहीं मतलब ऑल अराउंड इंडिया काफ़ी बढ़िया है। लेकिन ये बेसिकली अभी तक मैं तीन में हो गया, जयपुर हो गया, सोलो ट्रिप में भी यहाँ पे गया था तो वो वाला भी काफ़ी बढ़िया था। लोकेशन बस इनका ये होता है जो डलहौजी में मैंने देखा ना कि डलहौजी में मतलब मेन सिटी सेंटर से इन्होंने काफ़ी दूर करा था, वो जो प्रॉपर्टी थी काफ़ी दूर थी। ये वाला भी यही है, मेन सिटी सेंटर यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। 2-2.5 किलोमीटर सुनने में थोड़ा मतलब ये लग रहा होगा 2-2.5 किलोमीटर चल सकते हैं आराम से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मनाली है और मनाली में होता है स्टीपनेस। तो जब आ रहे थे उसके बाद हमारे पास ट्रॉली वगैरह भी थी और मेरे पास बैग थे रक्षक था, तो आने में प्रॉब्लम होती है मतलब 10-15 kg का जब वेट उठा गया आप स्टीपनेस में चल रहे हुए तो वो पूरा एक तरीके ट्रैक हो जाता होगा। वहाँ पे आते हुए ट्रैक हमने करा फिर थोड़ा सा लेकिन करा, फिर उसके बाद यहाँ पर आए हैं रेस्ट करा है, पनीर के परांठे खा लिए हैं हमने, यहाँ पर चाय भी पी ली, मसाला चाय मैंने पी थी, नजोत ने नॉर्मल टी पी है, अभी वो अपनी पगड़ी पहन रहा है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। मैंने अमृतसर वाले ब्लॉग में दिखाया था, अगर आप लोगों को देखना है तो आ चुका है वो ब्लॉग। ठीक है, तो अब ये है कि हिमाचल में ही मेरा पालमपुर साइड में मेरा भाई रहता है, अब भी वो स्कूटी में आ रहा है, उससे मिलने के लिए जा रहे हैं हडिम्बा टेम्पल। हडिम्बा टेम्पल यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है, अब तो चिपनेस डाउन साइड है तो इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं हमें, अब आराम से हम चल सकते हैं। तो बैग लेके जाऊँगा जिसमें मेरा सामान पड़ा हुआ है, और तो फिर अभी इतना लेके जाऊँगा नहीं मैं। अभी तो बढ़िया पीछे का व्यू है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी थर्ड फ्लोर में जाऊँगा, यहाँ पर थर्ड फ्लोर है, काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है वहाँ पर, जो मज़ा आएगा ना मतलब पूरा पूरे में वाइट चद्दर सी फैली हुई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, साथ में धूप है वो जो कि निराशा वाली बात है हमारे लिए, क्योंकि हम ये सोच के आए थे कि हमें बर्फ़ काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, मिली नहीं, मिल रही है मतलब मिल रही है नॉर्मली पड़ी हुई है वो, एक शायद से कल या परसों बर्फ़ गिरी थी तो वो तब की है, फ्रेश जो हमें चाहिए थी मतलब आज ही गिर जाए और आज ही हमें मजे आए तो वो वाली नहीं हो पाएगा बस, तो उसमें प्रॉब्लम है। कोशिश पूरी जा रही है कि मतलब कोशिश हमारी तरफ से क्या गुलाबा की तरफ जाएंगे, वहाँ पर एक जो अग्नि फॉल है वहाँ पर भी ट्रैक होते हैं इनकी तरफ से दूसरी तरफ से, लेकिन उसमें मिनिमम 5 बंदे के लिए जरूरत होती है, तो 2 तो हम हो गए मैं और नजर, लेकिन अब देखते हैं 3 बंदे अगर कोई एग्री होता है तो जाएंगे हम वहाँ पर। आज रात को शायद गेम नाइट होगी, गेम नाइट में हम किसी ना किसी को पटा लेंगे या फिर पट जाएगा कोई ना कोई, जहाँ पर मेरे को लगता है पट जाएगा मतलब इन द सेंस जाने के लिए पट जाएगा कोई ना कोई, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। फिर मिलते हैं बाद में, ओके। काफी ज्यादा बढ़िया है, पूरी तरफ बर्फ 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 है तो वो काफी बढ़िया। क्या नाम है आपका? हडिम्बा टेम्पल पहुंच चुके, जहां तक कि मेरे को लगता है कंफर्मेशन नहीं है लेकिन वही लग रहा है।
देखते हो जाते देख लिया हमने तो अब यहाँ से यहीं पर ही है वन विहार है उसकी टिकट लगती है तो भाई वहाँ पे गया हुआ है अभी पहले वो आ जाए या फिर हम सोच रहे कि पहले वहीं पर चल जाए अंदर ही मिल लेंगे। तो हंडिम्बा टेम्पल फेमस तब हुआ था ये जवानी है दीवानी की मूवी के बाद से तो यहाँ पे काफ़ी लोग बस उसी मूवी के कारण आ जाते हैं ये चीज़ है। आगे अभी वन विहार जाएंगे फिर उसके बाद टाइम बचेगा फिर उसके बाद मॉल रोड जाने का प्रोग्राम बना रहे क्योंकि फिर दोबारा ऊपर जाने तक ना वो दूर है थोड़ा और स्टीप है तो फिर अभी बताया था मैंने प्रॉब्लम हो गई थोड़ी जाने में तो इसके लिए अभी सोचने से अभी नीचे सारी जगह कंप्लीट कर लेंगे आज मॉल रोड वगैरह एंड जो घूमना वगैरह है हमने रिवर साइड में भी चल लेंगे थोड़ा सा रिवर साइड में जाने का पता है मेरे को और देख लेंगे कुछ मनु टेम्पल तो हमारे पास में ही है तो जाते जाते हम वहाँ पर भी चल जाएंगे फिर मिलते हैं। The first Noel, the angel. तो ये वगैरह मिल गए हैं उनके साथ जा रहे हैं स्कूटी इन्होंने निकाली हुई है घर से ही आए सीधा ठीक है तो अभी देखते हैं कहाँ पूछेंगे। अब मेरे को ये नहीं पता कि इससे आवाज़ आ रही है नहीं आ रही लेकिन कोशिश पूरी है कि आवाज़ आ जाएगी अभी बैठेंगे तो फिर पता चल जाएगा। इसमें लाइट जलती रहती है मतलब वीडियो बन रही है ना लाइट जल रही है तो मतलब वीडियो बन रही है पता नहीं इस तरह ऐसे दे बन रही है 26 सेकंड हाँ चेंज हो चुका है अब रोहतांग के रास्ते नहीं सोलांग वैली के नियर बाय में आए हैं तो अभी तो यही है लेकिन हर जगह पर दिखाई दे रही है अभी पीछे क्लिप दिखाऊंगा तो वहाँ पर जो था होटल के मतलब पूरे चारों तरफ से चारों तरफ से वो गिर के बर्फ से बंद हो गया बिल्कुल ही ब्लॉक छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें होती सोलांग जाना कैंसिल हो गया हमारा क्योंकि बर्फ की वजह से ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा है इस बारी और हम आया वीकेंड में बहुत ज्यादा लोग आए थे वीकेंड में इस बारी तो ये मैंने नया वाटरप्रूफ जैकेट खरीदी थी कि मतलब जो कि काम आ जाएगी बारिश वगैरह में भी और इसमें बर्फ़ में खेलने के टाइम पे भी कि मतलब गीले वगैरह नहीं होंगे अभी जूतों को करना है जूते नहीं लिए मैंने पीछे पूरा का पूरा साथ में भाई भी है जिन्होंने हमें घुमाया है सोलांग वैली तक ओहो टांगे ऐसे घुस जाती हैं पूरी पूरी तो बिल्कुल संभल संभल के चलना होता shining in the east beyond them far and to the earth it gave great light
जल्दी से पहले भाई के साथ बाइक का चलो चलो क्या See you guys. Thank you so much for watching my vlog. See you in next video from Manali. Take care. Bye bye. Fields as they lay in fields where they. ठंड काफी है. मैंने शायद तो बताया नहीं था अभी तक ऑन कैमरा. ठंड बहुत ज्यादा है. रात को तो ऐसे की तैसी होने वाली. सुबह तो बस ये था कि बर्फ और साथ में बर्फ के साथ साथ धूप थी. तो धूप में जब जा रहे थे तो थोड़ी नहीं लग रही थी लेकिन लग भी रही थी तो रात को लेकिन गंदी वाली लगने वाली हमारी इतना समझ में आ रहा है मेरे को. चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.